different different dreams, different different ways to achieve it, different different goals. Okay, now ultimately क्या एक क्या हर कोई पाना चाहता है? अलग अलग गोल्स है, कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, कोई समवन वांट्स टू गो फॉर अ वर्ल्ड टूर और यू नो समथिंग लाइक, बट देन अल्टीमेटली कौन सा एक वर्ड है, क्या चाहते हैं ये लोग लाइफ में? वेरी गुड, सो आई हैव एन इंटेलिजेंट ऑडियंस हियर, फाइन. सो अल्टीमेटली व्हाट यू वांट इज सक्सेस. दिस इज द मेन क्राइटेरिया ऑफ पीपल in their lives, success. All right, now if we say, if I ask you, do you know what qualities are essential for achieving success? Kya koi aisa formula hai ya koi aisi tablet hai hum kha le to success ho jayenge, ya koi injection hai ki humne laga diya aur hum successful ho gaye, aisa kuch hai? It's not like that. To fir hum kaise define karenge, kya karte hain hum to successful ho jate hain? Hard work. See, there's a difference. Maybe वो सोच रहा था लेकिन बोल नहीं पाया. This is where your communication skills come to the fore. इसके मन में ये नहीं था कि वो गधा मजदूरी करना. He wanted to say कि you know smart work करना, but उसके मुंह से निकला hard work. फिर जब उसने सुना smart work तो झटका लगा, हाँ मैं शायद वही बोलना चाहता था. So this is where you're talking of communication. कि क्या होता है, हमारे मन में होता है कुछ और, हम बोलते हैं कुछ और सामने वाला समझता है कुछ और. सो एवरीथिंग बिकम्स अ मेस. ओके, सो एज यू सेड, यू नीड हार्ड वर्क, यू नीड स्मार्ट वर्क, एनीथिंग एल्स? डिटर्मिनेशन. ओके, यू नीड डिटर्मिनेशन, वेरी गुड. व्हाट एल्स? परसीवियरेंस, वेरी गुड. फोकस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू नीड टू बी फोकस्ड. वेरी कॉन्फिडेंस, ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड. You need willpower. Let's ask the senior most person. आप बताएंगे कि successful होने के लिए आपको आपको क्या लगता है, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? Lucky. Luck is important. How many of you believe luck is important? किस्मत का कितना हाथ होता है successful होने में? 50% और बाकी 50%? All right. See, I will tell you the mantra is list to never ending hai. Ye karo, wo karo, wo karo, wo karo. The list is endless. Koi bura hard work karo, bura smart work karo, luck is important in this and that. But basically I will tell you the difference between the people who are successful and the people who are not successful is कोई भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए जो स्किल जरूरी है उस पर्टिकुलर अरीना में, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, उस पर्टिकुलर एरिया में, वो स्किल के ऊपर अगर हम काम करते हैं तो वी डेफिनेटली बिकम सक्सेसफुल. फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, लाइक मुझे, आई वॉन्ट टू ओपन अ ब्यूटी पार्लर. ओके, देर आर मोर गर्ल्स हियर, आई वॉन्ट टू ओपन अ ब्यूटी पार्लर, जस्ट एन एग्जाम्पल. तो ब्यूटी पार्लर के लिए क्या मुझे हार्ड वर्क करना है, क्या मुझे किस्मत की जरूरत है, क्या मुझे ये वो? नहीं. यहाँ पे कौन सी स्किल काम आएगी? आई शुड नो हाउ टू मेक अप, हाउ टू मेक पीपल ब्यूटिफुल, देन आई कैन ओपन अ ब्यूटी पार्लर एंड आई कैन मेक अ सक्सेस आउट ऑफ इट. इफ आई वांट टू गेट इनटू बिजनेस, अगर मुझे किसी चीज का बिजनेस करना है तो आई शुड हैव दैट स्किल. व्हाट स्किल? से आई वांट टू सेल समथिंग, सो आई शुड हैव द स्किल ऑफ मार्केटिंग बिकॉज आई शुड बी एबल टू रीच अक्रॉस टू पीपल. करेक्ट? यू अग्री विद दैट? Now when we talk and look at all these different things, you know, different aims and different goals that we have in our lives, I want you to know that there is no skill which is not acquirable. Koi bhi skill ho, hum usko acquire kar sakte hain. Now isme ye jo common skill aata hai har ek field mein, jo hum log ne baat kiya, IAS officer ho ya you want to get into air force or whatever you want to do in your lives, most important skill is your communication skill. We are communicating day in and day out. हम हर किसी के साथ communication करते हैं, और जब हम communication skills बोलते हैं तो हम सोचते हैं कि हम तो बात करते हैं, उसमें skills की क्या बात है, skills की क्या बात है. I will give you a very simple example. हाँ, एक आयन स्मिथ था. आयन स्मिथ को क्या बोलते हैं हिंदी में? वो लोहा, जो लोहार, लोहार. Okay. So there was a लोहार
और उसके पास कोई काम सीखने को आया, अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब जो काम सीखने आता है ना, तो वो उसके पास आया, तो वो उसके पास काम करने लगा। और इसका क्या काम होता है लोहार का, यू नो, ही हीट्स अप द आयरन रॉड एंड यू हैव टू कीप ऑन हैमरिंग इट ऑन द एनविल सो दैट इट चेंजेस इट्स शेप। ओके, तो ये अप्रेंटिस वहाँ पे बैठा था, अप्रेंटिस मतलब जो काम सीख रहा था वो वहाँ पे बैठा था। तो जो मालिक था, जो आयरन स्मिथ था, उसने उसको बोला, स्ट्राइक व्हेन आई नॉड माय हेड, जब मैं अपनी मुंडी हिलाऊं जोर से मारना, उसने ऐसे बोला। और वो गरम कर रहा था आयरन रॉड को। ओके, तो जब आयरन रॉड गरम हो गया, जब बोलते ना गरम होता है तब उसको मारो तो उसका शेप चेंज हो जाता है, करेक्ट। सो वो गरम हो गया आयरन रॉड, तो ये जो मालिक था आयरन स्मिथ जो था, उसने ऐसे नॉड किया, तो क्या हुआ, क्या हुआ होगा, इसने क्या बोला था, जब गरम हो जाए जब, तो मैं नॉट करूंगा, नॉट करूंगा मतलब मैं अपनी मुंडी हिलाऊंगा और तुम मारना, तो क्या हुआ, हाँ हाँ उसकी मुंडी पे मारा, बिकॉज उसने बोला जब मैं नॉट करूं तो तुम मारना। ये नहीं बोला था कहाँ मारना। एग्जैक्टली, सी शी इज अ टीचर सो शी नोज। सो ये यहाँ पे क्या हो गया, मिस कम्युनिकेशन हो गया ना, अंडरस्टैंड। जैसे ये हार्ड वर्क बोला, फिर उसको लगा ये मैंने क्या बोल दिया, हार्ड वर्क गधा मजूरी नहीं, स्मार्ट वर्क। सो दिस इज माई कम्युनिकेशन स्किल्स, यू नो, दे कम टू द फोर इन द सेंस कि यहाँ पे हमको समझ में आता है कि वी शुड क्लियरली टॉक अबाउट व्हाट इज इट दैट वी वांट टू कन्वे और व्हाट इज इट दैट वी वांट द वर्क टू बी डन, राइट। नाउ एनी स्किल इज अक्वायर्ड। नाउ सी, फैमिली बैकग्राउंड कभी कभी क्या होता है, अच्छा क्या रीजंस होते हैं कि लोग नई स्किल हासिल नहीं करना चाहते। कोई भी स्किल ऐसी नहीं है जो हम नहीं सीख सकते, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सीख सकता। कुछ रीजंस होते हैं कि लोग डू नॉट वांट टू लर्न अ न्यू स्किल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, कंफर्ट जोन, दे गेट इनटू अ कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन क्या है, कैन यू टेल मी, नहीं, एग्जैक्टली, ब्रिलियंट जी। क्या होता है कि कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन यानी मैं यहीं खुश हूँ, मुझे आगे जाने से डर लगता है, मैं आगे नहीं जाऊँगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग कॉलेज में जाते हैं जब है, तो एक पर्टिकुलर सीट होती है वही पकड़ के बैठते हैं, इन एंड यू फील सो गुड, दूसरा सीट चेंज नहीं करेंगे। जाएंगे क्लासरूम में या कहीं लेक्चर के लिए गए तो एक ही सीट होती है, कैंटीन में भी गए तो वहीं जाके बैठेंगे। यू वॉन्ट टू सिट एट दैट पर्टिकुलर प्लेस बिकॉज वहाँ पे कंफर्टेबल लगता है। द मोमेंट वो सीट किसी और ने ले लिया, कोई और बैठ गया, तो अरे यार मेरी सीट चले गई, देन यू हैव टू सिट इन अनदर प्लेस, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। होता है कि नहीं होता है, होता है। पेरेंट्स ऑल्सो जब हम लोग भी छोटे थे तो करते थे ना ये। सो द थिंग इज कि वो कंफर्ट जोन आ जाता है, उसके बाहर हम निकलना नहीं चाहते, हम सोचते नहीं ये स्किल मेरे लिए नहीं है, मुझे नहीं सीखना है, मैं नहीं कर सकता, बहुत डिफिकल्ट है। नंबर टू जो फैक्टर होता है, हम नया स्किल नहीं सीखना चाहते हैं, वो है फियर ऑफ फेलियर। हमको लगता है हम फेल हो जाएंगे, क्या हम नहीं कर पाए तो पैसा जाएगा, टाइम जाएगा, फेल नहीं होना है मुझे। यू नो, वी बिकम काइंड ऑफ इम्यून टू इट कि नहीं, ये सब पास्ट में ये गलत हुआ है, अगर मैं कुछ नया सीखूंगा तब भी मैं फेल हो जाऊंगा। सो दीज आर द टू मेन इंपॉर्टेंट, एंड द थर्ड वन इज आई डोंट नो हाउ टू डू इट। मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे पैसा कमाना है। सी, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, आई वॉन्ट टू अर्न मनी, सेइंग दैट इज वेरी वेरी ईजी, बट गेटिंग ऑन टू द स्टेप्स, वो कदम लेके उस सक्सेस तक पहुँचना हम लोग नहीं करना चाहते। एज आई सेड, कम्फर्ट जोन होता है, फियर ऑफ फेलियर होता है, और तीसरा आई डोंट नो हाउ टू डू इट। सो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू फॉर यू पीपल, यू नो, दोज हु वॉन्ट टू अचीव सक्सेस, यू वॉन्ट टू मूव अहेड इन योर लाइफ। हम लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल्स का एक प्रोग्राम बनाया है, दैट इज वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। उसमें टेक्निक्स है, स्टेप्स है, एज आई सेड के वो जो आयरन स्मिथ का जो एग्जाम्पल दिया, तो सिंपल सी बात है कि बहुत सारी बात क्या होता है कि हम लोग का मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। जो हम बोलना चाहते हैं मन में कुछ और होता है, बात कुछ और बोलते हैं, सो दैट इज मिसकम्युनिकेशन। फिर कुछ टेक्निक्स होती है, कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स अगर हम लोग सीख जाते हैं और कॉन्शियसली, कॉन्शियसली मतलब हमको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम लोग ने जो मॉड्यूल बनाया है बहुत बहुत सिंपल है, और उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्लास में, उसको हम रोज़ाना, यू नो, यू गो ऑन प्रैक्टिसिंग इट एंड आई कीप ऑन लेटिंग यू नो कौन से स्टेप्स है, कौन से टेक्निक्स है। फिर कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज भी है,
कम्युनिकेशन में भी एक्सरसाइज देने वो दंड बैठा कर वो सब नहीं है, इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट मेंटली. वी आर टॉकिंग ऑफ द मेंटल एक्सरसाइज दैट वी आर गोइंग टू डू. ओके अच्छा वन मोर थिंग, ज़रूरी नहीं है यार, जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया था ये लोगों ने कि सक्सेस का फॉर्मूला क्या है. सो बहुत रिसर्च किया, इट वॉज एटलीस्ट फॉर 2 ईयर्स दैट दे डिड दिस रिसर्च एंड दे फाउंड आउट के एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, मनी, डेस्टिनी जिसको हम किस्मत बोलते हैं, ये सबका कुछ लेना देना नहीं है सक्सेस से. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये एक्सपेरिमेंट, इसका सक्सेस से लेना देना कुछ नहीं है. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मुझे यू ऑल मस्ट गिव मी वन एग्जाम्पल, एवरी वन नोज अबाउट दिस. मुझे नाम बताओ जिसके पास बड़ा नाम नहीं था, फैमिली नाम नहीं था, नॉट फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, नॉट हाईली एजुकेटेड, बट ही इज़ अ वेरी वेल नोन फिगर. कौन है हमारे कंट्री में? अम्बेडकर इज नो मोर करंटली. यस, आर ओन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी. सी पीपल हैव वेरियस ओपिनियंस, हम उसकी बात नहीं कर रहे. कुछ लोगों को मिस्टर मोदी अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को नहीं अच्छे लगते. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, बट वी आर लुकिंग एट द पॉजिटिव क्वालिटीज. कोई भी इंसान के बारे में जब हम बात करते हैं, लुक एट द पॉजिटिविटीज. नेगेटिव चीज़ें तो हर में, हम लोग भी टोटली पॉजिटिव नहीं है. वी ऑल आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव. सी वेयर ही इज रनिंग द कंट्री, ही डजेंट कम फ्रॉम अ वेरी गुड, मतलब इतना फाइनेंशियली बैकग्राउंड वेल ऑफ नहीं था, बट ही हैड दोज लीडरशिप स्किल्स, ही डेवलप दैट एंड वेयर इज ही इज रनिंग द कंट्री, छोटी बात तो नहीं है. सो यू नो इट इज अ ग्रेट थिंग, इट इज समथिंग दैट वी शुड एडमायर. एंड देर आर मेनी अदर्स, फार्मर्स भी मिलियनेयर्स बन गए हैं यूएस में. पीपल फ्रॉम द कंट्री साइड फार्मर्स, उनको कुछ बेसिक एजुकेशन नहीं था, दे बिकम मिलियनेयर्स. और जो मिलियनेयर्स के बच्चे वो लोग टैक्सी चलाते हैं अमेरिका में. तो ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे भाई मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं था, मुझे गलत बराबर एजुकेशन नहीं मिला, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मुझे डर लगता है. दैट्स ऑल बुलशिट, दैट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट. यू जस्ट गॉट गेट अप, टेक द रेंज ऑफ योर लाइफ इन योर हैंड्स, जस्ट मूव अहेड, डू समथिंग टू मेक योर लाइफ बेटर. और ये स्किल जो है मैंने बोला, दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग थिंग, इट्स गोइंग टू हेल्प यू जहाँ भी जाओ, जहाँ भी रहो. इवन वेन यू ट्रैवल अब्रॉड, आई होप यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल अब्रॉड and you move throughout the world, even these skills help you everywhere you go. Okay, so I should like to say thank you to everyone, you've been such a nice audience, and I would like to take leave. And nice meeting you, and hope to see you all. Have a nice day. Bye.